इमाम अबू हनीफा की तरफ मनसूब एक किताब है उस किताब का नाम है अलफिकल अकबर मैंने रमज़ान में एक रमजान में फजर के बाद पूरी किताब का दर्श दिया अलफिकल अकबर नाम है इसका फिक लेकिन ये किताब है अकीदे की तकरीबन जबानों में इसका ट्रांसलेशन मिलता है आप पढ़ के देखें कि उसके अंदर इमाम साहब का अकीदा क्या है और आजकल जो अपने आप को उनके मुखल्दीन कहते हैं उनका अकीदा क्या है आसमान जमीन का फर्क है क्योंकि जो लोग इमाम साहेब के मुखल्दीन हैं और मैं ये बबांगे दोहल कहता हूं आप आकर इसको साबित करके दिखाएं अगर ये गलत हो तो आज अपने आप को जो लोग इमाम अब हनीफा के मुखलिदीन कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आमाल में इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं राह सिर्फ आमाल में करते हैं अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करते हैं अकीदा इमाम अबू हनीफा का नहीं लेते हैं आप अकीदा में इमाम अबू हनीफा के जो अकवाल हैं और जो उनका अकीदा है अपनाया करो आलमीन والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء حزر نجرامي إسلامي أقائد يعني belief or faith کا خلاصة आखिरत की पहली मंजिल क़बर में नजात और उसके बाद के मराहिल में कामयाबी के लिए कबर के तीन सवालात में कामयाबी बहुत ज़रूरी है कल हमने इस ताल्लुक़ से सरसरी चंद बातें मालूम किए आइए आज हम लोग क़दरे तफसील के साथ कबर के तीन सवालत को मालूम करते हैं तैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबर आखरत के मनाजिल में से पहली मंजिल है जो कबर में कामयाब हो गया आखिरत के तमाम मरहलों में वो कामयाब हो जाएगा जो यहाँ नाकाम हुआ हर जगह पर नाकाम होगा और कबर के ये तीन सवालत दीन इस्लाम के अकायद मनहज की बुनियाद हैं तमाम बातों का खुलासा इन तीन सवाल के अंदर हैं जो इन तीन सवालत को समझ जाए इस्लाम के अकीदा मनहज तौर तरीक़े को समझ जाएगा और इन तीनों पर अगर साबित क़दमी के साथ अमल पैरा हो जाए तो वो गुमराह नहीं होगा भटकेगा नहीं बल्कि हिदायत याफ़्ता होगा और आखरत के हर मंजिल में कामयाब हो जाएगा हजरेन इन तीन सवालत का ताल्लुक इस्लामी अकीदे से हैं मनहज से हैं अकीदे का मतलब होता है बिलीव फेथ कि आदमी के दिल में जो अकीदा जो बिलीव फेथ वो बांध लेता है उसको कहा जाता है अकीदा दा के असल माने हैं बांधना, गिराह लगाना घाटी डालना मजबूत करना फलक में प्यारे नबी सलम पे जो जादू हुआ उसका तस्करा आया और जादू आप सल्लल्लाहु के बाल लेकर उसमें घाटी लगाकर फूक मार मार के जादू किया उसको बयान किया ओकद यानी गिराह में घाटियों में फूक मारने वालियों के शर से अल्लाह में तेरी पनाह चाहता हूं तो ओकद उसी से अकीदा गिराह लगाना घाटी डालना मजबूत करना एक इंसान अपने दिल में जिस आस्था विश्वास अकीदा बिलीव फेथ डॉक्ट्रिन को पाद लेता है मजबूत कर लेता है उसको अकीदा कहा जाता है और यह अकीदा सही भी हो सकता गलत भी हो सकता है जो गलत अकीदा रखने वाले वो अकायद बातिला है फासिदा है अपने दिल में वो भी रखते हैं अपने अपने हिसाब से अकीदा रखते हैं सही अकीदा भी होता है और सही अकीदा कौन सा है जो अल्लाह का बनाया हुआ हो और अल्लाह का बनाया हुआ निजाम क्या है इस्लाम अल्लाह ने सुर इमरान में फरमाया इन दीन इंद इस्लाम यकीनन पसंदीदा दीन अल्लाह के पास दीन इस्लाम है दीन इस्लाम की बुनियाद रखने वाले दीन इस्लाम के फाउंडर कौन है कौन है दीन इस्लाम के फाउंडर अल्लाह है अल्लाह हैं यही गलती हम करते हैं स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है दीगर मजाहिब के जो फाउंडर हैं फुला फुला के साथ इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बुनियादी गलती हैं बच्चों के दिलो दिमाग में डाला जाता है तो उसका मतलब कि मोहम्मद से पहले इस्लाम नहीं था गलत बात है इस्लाम आदम से लेकर हार नबी का दीन रहा है और यही इस्लाम अल्लाह जब से है तब से इस्लाम है और अल्लाह के साथ हमेशा इस्लाम रहेगा इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है मुसलमानों को खत्म कर सकते हैं लेकिन इस्लाम इन न दीना इन इस्लाम और दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा तरीका अल्लाह के पास काबिल कबुल नहीं है क्योंकि अल्लाह एक है तो अल्लाह तक पहुंचने का तरीका भी एक ही होगा वह मैं अब तक गैर इस्लामी दीना फल यकबल अमीन जो दीन इस्लाम को छोड़ के कोई और दीन को तलाश करे ढूंढे उससे कबूल नहीं होगा और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा तो हमें जो अकीदा मालूम करना है वो इस्लामी अकीदा और इस्लामी अकीदे का फाउंडर कौन है अल्लाह है Allah है हर नबी का दीन इस्लाम रहा उसके लिए भी दलील आप पढ़ें अल्लाह ताला ने याकूब सलाम का कि जमा करके उनसे पूछा वहीकूबल मौत कि तुम मेरे बाद किस चीज की इबादत करोगे तो सारों ने कहा कि हम आपके और आपके बाप इब्राहिम इसमाहील और ये जो इसहाक इसहा इन लोगों के जो माबूद बरहक है उनकी इबादत करेंगे और हम सब व नहनु लहु मुस्लिमून हम सब उसके लिए मुसलमान हैं इब्राहिम अलैहि सलाह सल ने कहा इस्लाम लाओ असलम ला आलमीन इब्राहिम के बारे में अल्लाह ने फरमाया हनीफम मुस्लिमा वो मुसलमान थे हनीफ तो परस मुसलमान थे इब्राहिम सलाम के बाद जितने अंबिया आए सब के सब उन्हीं के नस्ल से हैं तो जाहिर सी बात है हर नबी का दीन दीन इस्लाम रहा है जब दीन इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ निजाम और कानून है इसमें कोई झोल कोई लचक कोई गलती और किसी तरह की कोई ना इंसाफी नहीं हो सकती है दुनिया वालों को अमन चाहिए सुकून चाहिए अदल चाहिए इंसाफ चाहिए तो दीन इस्लाम के तरीके पर अमल किया करे इसी को लाहिया या अमल बनाए इसी के मुताबिक फैसला किया करे इसी के मुताबिक हुकूमत चलाया करें इसी के मुताबिक हर चीज़ कारोबार तिजारत अकीदा मनहج, तौर तरीका नजर इसल दावत तबलीग सोच विचार इबादत अखलाक किरदार जो कुछ भी आप अपनाएं इस्लाम के मुताबिक अपनाओ क्योंकि इस्लाम के नाम के अंदर ही सलामती पिनहा है सलामती यहां है इसके नाम के अंदर ही सलामती है इस्लाम माने हैं अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करना हवाले करना अपने आप को अल्लाह के सामने के के साथ हवाले करना इस्लाम माने याद रखिए लोग क्या कहते इस्लाम के माने सलामती इस्लाम के अंदर सलामती है लेकिन एक्चुअल इस्लाम के माने सलामती तो सलाम से है ना तो सलाम इसका रूटवर्ड है मगर ये बना है अल इस्लाम अल इस्लाम का मतलब होता है तीन बातें याद रखिए इस्लाम की डेफिनेशन याद रखिए अल रखी वल वल मिन वा आहली। इस्लाम का मतलब होता है कि अल्लाह के सामने तौहीद के साथ अपने आप को हवाले करना वरना आप अहले किताब के उलामा को देख लीजिए शादी बिया नहीं करते अपने आप को अल्लाह के लिए हवाले कर देते हैं पूरी तरह से वक्फ है वो हम में और उनमें फर्क यह है उनके पास तोहैद नहीं है और हम तोहीद के साथ करते हैं और अल्लाह उसके रसूल की इता तो फर्मा बरदारी करना शिरक से बरात का इजहार करना शिरक और मुश्किन से बरात का इजहार करना है यह असल इस्लाम है इस्लाम इसका नाम है तो इस्लाम का मतलब क्या हुआ कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह विद तोहीद यह इस्लाम है कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह विद तौहीद तौहीद के साथ अल्लाह के सामने मुकम्मल अपने आप को हवाले करना है अल्लाह कहे उठ तो उठना है बैठ तो बैठना खा तो खाना है मत खा तो नहीं खाना कहा कि हराम है नहीं खाना नहीं खाते या हलाल है खाना है खाओ रोजा रख के कभी वक्त नहीं हुआ अल्लाह का हुक्म नहीं हम नहीं खाएंगे बीवी हराम है तो हराम है इसको कहा जाता है मुसलमान मुसलमान वो होता है जिंदगी के हर मोड़ पे हर कदम पे वो अल्लाह ने कहा तो हम करेंगे अल्लाह ने नहीं काम नहीं करेंगे अल्लाह के ताबे और उसी को मुसलमान कहा जाता है इस इस्लाम का बानी अल्लाह है हम जो हमें जो मालूम करना इस्लामी अकीदा और इस्लामी अकीदे का बानी फाउंडर कौन है अल्लाह है और जब अल्लाह एक है उस तक पहुंचने का तरीका एक होगा अकीदे में कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता एक बात याद रखी अकीदे में इख्तिलाफ नहीं हो सकता किसी भी सबक राम फिकी मसाइल में इख्तलाफ किए अकीदे में इख्तलाफ नहीं था ताबीन एजाम फिकी मसाइल में इख्तलाफ किए अकीदे में इख्तलाफ नहीं था चारों इमाम के फिकी मसाइल में इख्तलाफ है मगर अकीदे में कोई इख्तलाफ नहीं है चारों इमाम इमाम अब अबू हनीफा इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल रही इन सब का अकीदा एक ही है जो इस्लाम का सलफ का सही अकीदा है आपको मैं बता देता हूं इमाम अबू हनीफा की तरफ मनसूब एक किताब है उस किताब का नाम है अल फिकहुल अकबर मैंने रमजान में एक रमजान में फजर के बाद पूरी किताब का दर्श दिया अल फिकहुल अकबर नाम है इसका फिक लेकिन यह किताब है अकीदे की तकरीबन जबानों में इसका ट्रांसलेशन मिलता है आप पढ़ के देखें कि उसके अंदर इमाम साहेब का अकीदा क्या है और आजकल जो अपने आप को उनके मुखल्दीन कहते हैं उनका अकीदा क्या है आसमान जमीन का फर्क है क्योंकि जो लोग इमाम साहेब के मुखल्दीन हैं और मैं ये बबांगे दोहल कहता हूं आप आकर इसको साबित करके दिखाएं अगर ये गलत हो तो आज अपने आप को जो लोग इमाम अबू हनीफा के मुखल कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आमाल में इमाम अब अबू हनीफा की तकलीद करते हैं राह सिर्फ अकीदे आमाल में करते हैं अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करते हैं अकीदा इमाम अबू हनीफा का नहीं लेते हैं आप अकीदा में एवं अबू हनीफा के जो अकवाल हैं और जो उनका अकीदा है अपनाया करो अकीदे में वो मातुरीदी और अशायरी हैं अकीदे में मातुरीदी और अशायरी हैं अशा अकीदा मातुरीदी अकीदे क्यों मानते हैं उनके बड़े से बड़े गुलामा को पूछ लीजिए बाकायदा वो कहते हैं कि हम अकीदे में अशारी या मातुरीदी है और अमाल में इमाम अब हनीफा को फॉलो करते हैं हम तो इमाम अबू हनीफा के अकीदे के मुताबिक अकीदा रखते हैं इसीलिए मैं कहता हूं अगर सही माने में कोई एट ए टाइम चारों इमाम को फॉलो करता है तो वो अहले हदीस करता है अहले हदीस करता है चारों इमाम ने कहा जब सही हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है और हम सही हदीसों पर अमल करते हैं चारों इमाम के बातों पर एट ए टाइम अमल करते हैं चारों इमाम का जो अकीदा था उस अकीदे पर हम चलते हैं हमारा अकीदा वही है लेकिन याद रखिए जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मुकलदीन में से हैं वो तो आधे हुए मुकम्मल नहीं है और कितने मसाइल ऐसे हैं इमाम साहिब से हटकर इमाम साहिब के दो शागिर्द इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ के फतवे के मुताबिक फतवा है तो इसलिए याद रखिए कि मेरे भाइयों हमें उसमें पढ़ना नहीं है सारों का अकीदा एक था अकीदे में कोई इख्तलाफ नहीं है कोरोन उला में जो सलफ साल गुजरे हैं सबका अकीदा एक जैसा था अकीदे में कोई इख्तलाफ नहीं है इसीलिए अकीदे का चैप्टर फित की किताब में नहीं होता है दुनिया की कोई भी फिक की किताब उठा लीजिए फिके हनफी हो शाफी हो मालिक हो हन हमली हो या फिक सलफी हो जो भी हो आप उठा लीजिए फिक की किताब में अकीदे का चैप्टर नहीं होता है क्योंकि फिक में इख्तलाफ होता है फिक में इख्तलाफ होता है आपका इस्तलाल फला का इस्तलाल इनके इस्तलाल में फर्क होता है और फिक्री मसाइल में एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए फी मसाइल में एक दूसरे को उसकी वजह से इस्लाम से खारिज नहीं करना है उसकी वजह से एक दूसरे की तकली नहीं करना हाँ राजे मरजू अफजल मफजुल की बात हो सकती है हाँ जिस फिकी मसाइल के लिए दलीली नहीं है जिनके लिए वो तो जाहिर सी बात है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जिसमें दलील है और दलील के बुनियाद पर अफजल मफजुल राजे मरजू की बात है उसको सत उस तक रखना चाहिए उसकी भी गुंजाइश निकालना चाहिए की किताबों में इख्तलाफ होते हैं और अकीदे में इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है इसमें की गुंजाइश नहीं है इसमें आप अपनी तरफ से कह नहीं सकते ये मेरा दिमाग कह रहा है ये मेरा इस्तदलाल है मेरा ड्राइविंग यह है मैंने यह समझा नहीं अकीदे में आपकी समझ नहीं चलेगी अकीदे में अल्लाह ने जो कहा हमें मीनू मानना है इसीलिए मुत्तकी अल्लाह अल्ला में में ला अल्ला के दोनों हाथ राइट हैंड है कैसे हमें मालूम नहीं है अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है कैसे अल्लाह अल्लाह को पता हमें मालूम नहीं है अल्लाह हर रात उतर के आता कैसे हमें मालूम नहीं है याद रखिए ये है अकीदा अल्लाह ने कहा रसूल ने फरमाया हमें मानना है उसमें कोई अख्तिलाफ नहीं है कोई अख्तिलाफ नहीं है और साहबा ने कभी इस बारे में सवाल नहीं किया है अल्लाह अर्श पर है तो कैसे है अल्लाह का अर्श है तो कैसा है सवाल किए तो हमारे दिमाग में क्यों आए सवाल आप याद रखिए मेरे ये सलफ का मन है मनहज का मतलब मैथोडोलॉजी कैसे हमें इस्लाम पे अमल पैरा होना है तो आज मैंने आपके सामने कवर के तीन सवाल के वोया के तमहीदी बातें जो प्रिफेस है उसकी जो तमहीदी बातें वो मैंने रखी है अभी तो सवाल आया ही नहीं है क्योंकि इसी में हम लोग और बहुत सारे मुसलमान गुमराही की तरफ चले जाते हैं अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए तो अकीदा हमें इस्लाम का अपनाना है इस्लामी अकीदा बनाने वाला अल्लाह है इसीलिए उसमें कोई अख्तिलाफ नहीं और फिक की किताबों में इख्तिलाफ होता है इसीलिए अकीदे का चैप्टर दुनिया की किसी भी फिक की किताब में नहीं होता है हदीस की किताबों में अकीदे का चैप्टर होता है किताबुल ईमान और दीगर उसके लिए अलग से किताबें लिखी जाती है यही असल है बुनियाद है फेथ है बिलीव है इसी की बुनियाद पर हमारे आमाल अल्लाह के पास कबूल होंगे अकीदा ही नहीं है तो याद रखो अल्लाह के पास कोई अमल काबिल कबूल होने वाला नहीं है इसलिए इसमें हमें एक होना है मुतहिद होना अकीदे की बुनियाद पर पहले अकीदा बिलीव सही करना है दुआ रबीन से अल्लाह तबरक हमें और आपको सही माने में इस्लामी अकीदा जो अल्लाह ने बनाया रसूल ने फरमाया तो उसी पर चलने उसको अपनाने की तोफी कता फरमाए सारे मुसलमानों को बल्कि सारे इंसानों को अल्लाह ताला इसकी तोफी कता फरमाए आमीन सुबह अस्तक फिर तो नबीन महमद